बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग टाउन की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है ब्लू लेमन, और आज हम एक डिफरेंट तरीके से ब्लू लेमन को बनाएंगे। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, शुगर पाउडर लेंगे, ब्लू फूड कलर लेंगे, काला नमक, लेमन जूस, एक गिलास पानी। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी लेंगे और इसको गिलास में डालेंगे। पानी बहुत ठंडा ना लीजिएगा, क्योंकि जब आप इनमें चीज़ें मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। शुगर पाउडर लेंगे, इसका हमने पाउडर बना लिया था, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। ये हमने शुगर पाउडर डाला इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक लेंगे, काला नमक एक चुटकी इसमें इनफ है, एक चुटकी के करीब काला नमक डालेंगे। काला नमक की वजह से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये ब्लू लेमन हमने पहले भी बनाया था एक डिफरेंट तरीके से। हम पानी डालेंगे, पूरा ग्लास फिल कर लेंगे। पहले भी बनाया था हमने ब्लू लेमन, वो बनाया था ब्लू लेमन विद सोडा। अब ये ब्लू लेमन प्लेन बनाएंगे, ब्लू फूड कलर डालेंगे इसमें। 3 to 4 ड्रॉप्स इसके लिए काफ़ी हैं, देख सकते हैं आप, 3 to 4 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। हम देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इसके बाद इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। मार्केट में इजीली आपको अम्ब्रेला स्ट्रॉज मिल जाते हैं। आप बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो पीने और खाने में भी बहुत अट्रैक्ट करती है। इसको लेमन स्लाइस के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको आप ठंडा करके आप इसको सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और टिकटॉक में भी हमारा अकाउंट है कुकिंग टाउन के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।